पुराने जमाने के टीचिंग के तरीकों से हमको क्यों पढ़ाते हैं, इट्स सो बोरिंग। अब वेदांत देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। हाय किड्स, हेलो टीचर। आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बेस्ट टीचर्स बनाए तो सिंपल लगे एवरीथिंग, लीडर बोर्ड्स एंड क्विज़ेस से अमेजिंग। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो। वेदांत लर्न लाइव ऑनलाइन, टू अटेंड अ फ्री लाइव क्लास डाउनलोड द ऐप नाउ। Hey kids, how are you doing? Welcome to another super cool, super awesome and absolutely amazing session that we are going to be taking on your really favorite channel, We Biotonic. आज की क्लास बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी देखी होगी तो इसके ऊपर इतने बड़े 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 चार्ट्स बने हैं कि किसी को समझ ही नहीं आता कि वो चार्ट्स कैसे करने हैं। दो चार्ट्स आर वेरी टफ। सो वेलकम टू द क्लास ऑन जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी हाउ एक्चुअली लाइफ इवॉल्व। सो आज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्मॉल सिंपल वन मार्कर्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्लास। मैं आपको डिटेल में आज की क्लास में सब कुछ करवाती हूँ। लेट्स ऑल्सो ट्राई एंड स्विच ऑन द एसी टू अ लिटिल मोर स्पीड, सो दैट वी ऑल बिकम वेरी कंफर्टेबल इन द क्लास। राइट, आगे चलते। दिस इज आवर वर्ल्ड फेमस टेलीग्राम ग्रुप, राइट? खुश होने में क्या जा रहा है, राइट? फेमस तो है, वर्ल्ड फेमस भी हो जाएगा। सो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम ग्रुप वेयर ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑल योर क्वेरीज गेट आंसर्ड। ये रही हमारी प्यारी सी, छोटी सी, सुंदर सी वी बायोटॉनिक की प्यारी सी फैमिली। सो प्लीज माई डियर किड्स, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर वन पर्सन हु यू फील इज वर्किंग हार्ड, बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल हु आर रियली वर्किंग वेरी वेरी हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू। सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट टूडेज क्लास ऑन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई विल ट्राई and cover this class in record period of time only for all of you. So please make sure that aap aaj ki class ko bahut dhyan se suniye, apne notes banaiye aur solve kariye. To ye pre-cambrian period hai, yahan se hamara cambrian period, ordovician, silurian, devonian, carboniferous, ye sara kuch aaj hum holocene of quaternary period pe hain. कैम्ब्रियन से पहले वाला प्री कैम्ब्रियन है। तो मैं यहां से शुरू करके ये सारी एराज आपको डिटेल में कराऊंगी। ओल्डेस्ट टाइम को इयोन कहते हैं। इयोन ओल्डेस्ट से भी ज्यादा बहुत लंबा टाइम जोन होता है। सो व्हेनेवर जैसे आप किसी को बहुत सालों बाद मिले तो इंग्लिश में वी कैन टेल लाइक, हे आई एम सीइंग यू आफ्टर इयोन। सो इयोन और इयोन्स आर रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स, राइट? सो फिनेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, आर्कियन, हीडियन। हीडियन जब लाइफ ही शुरू नहीं थी, अंधकार वाला टाइम, करेक्ट? उसके बाद आते हैं एराज, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। उसके बाद आते हैं पीरियड्स, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, ट्रायसिक, जुरासिक। क्वेश्चन आते हैं इन पे, क्रिटेशियस, ये सब एराज हैं। उसके बाद आते हैं स्मॉलर टाइम स्केल्स नोन एज एपोचेस, पेलियोसीन, इओसीन, यस, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन, रियली स्मॉल। सो दिस, अगर मुझे यहां लिखना है, दीज आर वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड्स एंड दीज मीन स्मॉलर टाइम पीरियड्स, लेसर, स्मॉलर टाइम पीरियड्स, करेक्ट एवरीबडी? Right, chalye. So let's kind of move ahead. The geological time scale divides the history of the earth into epochs, periods and eras. Derives from accumulation of data from the age of fossils. Hame kaise pata? Hum the dekhne ke liye. Main bade aaram se, bahut zyada focus se class le rahi hu. Please pay attention. Kya hum hain? Are we there to see? So all the information that we have is only from fossilized records. जो अर्थ की लेवल्स पे, स्ट्रैटास पे, अलग अलग टाइम पे एम्बेडेड है। लाइफ अरोज ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड। प्री कैम्ब्रियन टाइम पे लाइफ आई। सो प्री कैम्ब्रियन से हम भी आज लाइफ को देखना शुरू करते हैं। द प्री कैम्ब्रियन एरा इज अराउंड 87% ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो बहुत ज्यादा टाइम लगा लाइफ को शुरू होने में।
और एक बार लाइफ शुरू हो गई, एक बार लाइफ स्टार्ट हो गई, उसके बाद जल्दी 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 आगे बढ़ती चली गई. सो द प्री कैम्ब्रियन टाइम इंक्लूड्स 87% ऑफ द टाइम स्केल. इस टाइम पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं था. अर्ली एटमॉस्फेयर में हम उसको रिड्यूसिंग या एनऑक्सीजेनिक जैसे वर्ड्स मैंने पहले यूज किए हुए कर सकते हैं. ओजोन शील्ड भी नहीं थी, तो यूवी रेज, कॉस्मिक रेज अर्थ पर आती रहती थी. दे अलाउड द यूवी रेज टू बॉम्बार्ड द अर्थ. द फर्स्ट सेल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट. देयरफॉर हमने अर्थ के वॉटर को हॉट प्रीबायोटिक सूप भी कहा हुआ है. करेक्ट. प्रोकैरियोट्स अपेयर्ड अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन्होंने आके सबसे पहले ऑक्सीजन रिलीज शुरू किया. एडेड ऑक्सीजन टू दी एटमॉस्फेयर. ये वो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म से जो आए और जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज शुरू किया. एरोबिक बैक्टीरिया प्रोलिफरेटेड इन द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर एंड न्यू मेटाबॉलिक पाथवेज इवॉल्व. What are metabolic pathways? Any path through which I can make ATP. So chemiosmosis, photosynthesis, nay metabolic pathways start hona shuru hai. Look at this beautiful slide. Main specially side hui hu taki aap ye sab dekh sake. Is slide pe main isko side, isko bhi aur side kar deti hu. देखिए नीचे आपको टाइम जोन्स दिखाई दे रहे हैं. 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, 2.2 बिलियन ईयर्स अगो, 1.4 बिलियन ईयर्स अगो एंड 543 मिलियन ईयर्स अगो. और यहां डेवलपमेंट, सबसे पुराने बनने वाला बैक्टीरिया आर्किए बैक्टीरिया, राइट, बैक्टीरिया सबसे पुराना आके, देन एनिमेलिया, फंगाई, प्रोटिस्ट, प्लांट, सब कुछ बने. सो मैंने फर्स्ट सेल, सबसे पहले प्रोटोबायोन, प्रोटोसेल, सबसे पहले वाला जो सेल है, प्रोटोसेल कह लो आप, प्रोटोबायोन लाइफ वाला, उसने बैक्टीरिया बनाए और आर्किए बनाए. क्या बनाया? बैक्टीरिया और आर्किए. आर्किया मींस ओल्डेस्ट. आर्किया वर्ड लिया गया है आर्कियोलॉजी, राइट, द स्टडी ऑफ रियली ओल्ड थिंग्स. सो सबसे पुराना बैक्टीरिया आर्किया. थर्मोफाइल्स, जो हाई टेम्परेचर में रह सके, हाई टेम्परेचर को लविंग, थर्मो एसिडोफाइल्स, फॉर एग्जाम्पल थर्मोफिलस एक्वेटिकस नाम का जो बैक्टीरिया है. हैलोफाइल्स, जो हॉट सीज में रह सके, बॉटम ऑफ द ओशन में रह सके. हैलो मींस सॉल्ट, तो सॉल्ट लविंग. और मिथेनोजेंस, जो स्वैम्पी डेजर्ट मार्शी एरियाज में रह सके, मिथेनोकोकस टाइप, और मीथेन प्रोड्यूस कर सके. ये तीनों है सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया. इनका नाम दे दिया हमने आर्किए बैक्टीरिया. फिर आपके बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एक प्रोकैरियोट था, ऑक्सीजन यूज करके एटीपी बनाता है. जब इसने अपने अंदर सामान लेना शुरू कर दिया थ्रू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, राइट, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया अंदर जा रहा है और इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये बन गया यूकैरियोट्स. क्लोरोप्लास्ट बने और उसकी वजह से हेटेरोट्रोफिक प्रोटिस्ट बने, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स बने, करेक्ट. ये आगे जाके एनिमेलिया, फंगाई, प्रोटिस्टा, प्लांट्स बनाए, यूग्लिना वगैरह बना होगा. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट, नॉस्टॉक, एनाबीना एंड अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, लाइक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. तो इस तरह धीरे धीरे लाइफ शुरू हुई. आपको यह भी पता होना चाहिए, मैं ये सब मिटाकर आपको एक बार बताती हूं, आपको यह भी पता होना चाहिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में दे रही हूं. सबसे पहले एक प्रोकैरियोट था, सिर्फ एक बहुत बड़ा सा सेल जिसमें न्यूक्लियस भी नहीं है. इसने क्लोरोप्लास्ट को इंजेस्ट किया. क्लोरोप्लास्ट एक और प्रोकैरियोट था, इसने माइटोकॉन्ड्रिया को इंजेस्ट किया. माइटोकॉन्ड्रिया भी एक अलग से प्रोकैरियोट था. तो इस बड़े प्रोकैरियोट ने, बिग प्रोकैरियोट ने स्मॉल प्रोकैरियोट को इंजेस्ट कर लिया. क्या कर लिया? स्मॉल प्रोकैरियोट को इंजेस्ट कर लिया. तो जब एक बड़ा प्रोकैरियोट स्मॉल प्रोकैरियोट को इंगल्फ या इंजेस्ट करता है, दैट इज रेफर्ड टू एज एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी. ये दोनों छोटे प्रोकैरियोट इसके अंदर जाकर, ये दोनों छोटे प्रोकैरियोट उसके अंदर जाकर रहने लग जाते हैं. सिम्बायोसिस, दे स्टार्ट टू स्टे टुगेदर, विच इज रेफर टू एज एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी. डिड यू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट? करेक्ट. चलो तो आगे बढ़ते. प्री कैम्ब्रियन एरा, ये देखो ब्यूटिफुल डायग्राम ऑफ एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी. पहले मैं समझाती हूं आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे.
ये ऑक्सीजन ब्रीदिंग बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बनाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी आज की डेट में माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, पर किसी जमाने में एक ऐसा बैक्टीरिया होगा जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बना सकता होगा। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इसके पास पिगमेंट्स है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और एटीपी बनाता है। ये एक बड़ा सा प्रोकैरियोट है, तो इस बिग प्रोकैरियोट ने इन दोनों स्मॉल प्रोकैरियोट्स को इनगल्फ किया। बिग प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन अंदर को आने लगी, बिग प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन अंदर को आने लगी। तो जब बिग प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन अंदर को आएगी, उससे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनेगा जो आज की डेट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस बिग प्रोकैरियोट ने इन स्मॉल प्रोकैरियोट्स को इनगल्फ कर लिया। जिसने क्लोरोप्लास्ट को इंगल्फ नहीं किया वो बन गया एनिमल सेल, जिसने क्लोरोप्लास्ट को इंगल्फ कर लिया वो बन गया प्लांट सेल। हो सकता था ये बड़ा प्रोकैरियोट छोटे प्रोकैरियोट को डाइजेस्ट कर लेता, पर छोटे प्रोकैरियोट तो मुर्गी जो होती है ना, अंडा देने वाली मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, वो थी। छोटे प्रोकैरियोट तो एटीपी बनाते थे, तो बड़े प्रोकैरियोट ने छोटे प्रोकैरियोट को डाइजेस्ट नहीं किया, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंडो मींस इनसाइड, सिंबायोसिस मींस लिविंग टुगेदर, साथ रहकर एनिमल सेल बना दिया। सो लुक एट दिस, न्यूक्लियस बीच में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बन गया और कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट। सो यूकैरियोटिक सेल्स अराइज अबाउट 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। आए कौन आए 2.5 बिलियन ईयर्स अगो? यूकैरियोटिक सेल। एक बड़े प्रोकैरियोट ने जब छोटे प्रोकैरियोट्स को इंगल्फ किया तो बन गए यूकैरियोटिक सेल। एरोबिक, दैट मींस ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट थे, न्यूक्लियस थे, इनके पास ऑर्गेनेल्स थे, फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, विच केम बिकॉज ऑफ एंडोसिम्बायोटिक थियोरी। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बना सकता था, क्लोरोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड टू पीलियोजोइक एरा। ये बना प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा में हमने सेल डेवलपमेंट देख लिया, अब हम आते हैं पेलियोजोइक एरा पे। आपको दिख रहा है बहुत स्वैम्पी दलदल मार्शी एरिया है, छोटे मोटे इंसेक्ट्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं, इसको हम प्यार से हेलीकॉप्टर बुलाते थे बचपन में। डू यू ऑल्सो कॉल इट हेलीकॉप्टर? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो। चलो पेलियोजोइक एरा पे चलते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। द पेलियोजोइक एरा, इट बिगिंस विद द कैम्ब्रियन पीरियड। आपने वो पहला चार्ट याद रखे, कैम्ब्रियन से नीचे सारा कुछ प्री कैम्ब्रियन पीरियड है। अब हम पेलियोजोइक पे आ गए और पेलियोजोइक बिगिंस विद द कैम्ब्रियन एरा। 300 सालों तक, फॉर 300 ईयर्स वी हैड द कैम्ब्रियन एरा। इसके थ्री मेजर मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स थे, तीन मेजर मास एक्सटिंक्शन हुए। कहा जाता है दैट वी आर ऑल्सो इन द मिडल ऑफ अ मास एक्सटिंक्शन विच इज हैपनिंग राइट नाउ ऑन प्लैनेट अर्थ, एंड दैट इज वाई वी आर सून, इफ वी सून डोंट टेक स्टेप्स टू टेक केयर ऑफ आर क्लाइमेट एंड आर इकोसिस्टम, मास एक्सटिंक्शन हो सकती है। बट इस एरा में तीन मेन मास एक्सटिंक्शन हुई। अभी की मास एक्सटिंक्शन की प्रॉब्लम यह है कि इतनी जल्दी और इतनी रैपिड पेस पे अर्थ पर कभी भी मास एक्सटिंक्शन नहीं हुई है। An extinction is a total disappearance of all members of a species of a higher taxonomic group. किसी एक higher taxonomic group के सारी species खत्म हो जाएंगी, they will not be able to breed and the species will just disappear from earth. Disappearance of a large number of taxa और mass extinction की problem क्या है, बड़ी relatively short period में जल्दी 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 एक साथ हुआ है compared to geological time scale. बहुत closely एक के बाद एक जल्दी जल्दी सारी स्पीशीज अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो उसके बाद हम एरा जिस पे आते हैं वो है पेलियोजोइक एरा। हर एक एरा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी से मैंने लिखे हुए हैं। दिस वाज द इन्वेजन ऑफ लैंड, करेक्ट एवरीबॉडी? इन्वेजन ऑफ लैंड, यस एवरीबॉडी, यस। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेलियोजोइक एरा के बारे में। पेलियोजोइक एरा, हर एक एरा के बारे में हमने एनसीईआरटी से स्पेशली नोट्स बनाए हैं और सब कुछ डिटेल में मेंशन किया है। पेलियोजोइक एरा इज द इन्वेजन ऑफ लैंड व्हिच बिगन अराउंड 500 मिलियन इयर्स अगो। वी स्टार्टेड टू इन्वेड द लैंड, नॉट वी, हम तो लैंड पे ही हुए। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर ग्रोइंग इन वाटर स्टार्टेड टू कम ऑन द लैंड। प्लांट्स, सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स, वैस्कुलर सीडलेस है तो एंजियोस्पर्म्स नहीं है। वैस्कुलर का मतलब इनके अंदर थोड़ा बहुत जाइलम वाइलम बनना शुरू हुआ है।
ये शुरू हुआ सिलूरियन पीरियड पे, और जितने भी जिम्नोस्पर्म्स आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, कार्बोनिफरस पीरियड, जुरासिक एरा, बहुत ज्यादा जिम्नोस्पर्म्स ग्रो करना शुरू हो गए. करेक्ट. इनवर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूं, आर्थ्रोपोड्स वर द फर्स्ट एनिमल्स ऑन लैंड, एमसीक्यू. प्लांट्स सबसे पहले किस एरा में ज्यादा हुए? कार्बोनिफरस. आउटर स्केलेटन होता है उनमें, जिसकी जिसको एक्डाइजोन कहते हैं. एक्डाइजोन हार्मोन की वजह से आउटर स्केलेटन बनता है, एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस प्री अडेप्टेड देम टू लिव ऑन लैंड बिकॉज बहुत जल्दी भाग पाते थे. वर्टिब्रेट्स, फिशेस फर्स्ट अपीयर्ड इन द ओडोविसियन पीरियड. हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू है. Amphibians first appeared in the Devonian period and diversified during the Carboniferous period. A mass extinction occurred at the end of the Permian period. So just click a snapshot. ये भी एमसीक्यू, जस्ट किक अ स्नैपशॉट. आप देखो कि सिर्फ एक ही स्लाइड पे कितने ज्यादा एमसीक्यूज आने के चांस हैं. इज दैट क्लियर? कैन यू सी? मैं साइड में हो रही हूं. जस्ट क्लिक अ स्नैपशॉट. सिर्फ एक स्लाइड पे कितने ज्यादा एमसीक्यू आने का चांस है आपको दिखाई दे रहा होगा. चलिए तो आगे बढ़ते. डिलीट कर दिए सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है जो इकट्ठा करके हमने एक स्लाइड पे डाले हुए हैं. एमसीक्यू का नाम लिया और क्विज हाजिर. चलो आंसर करो. ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल टाइम पीरियड डिड दी अर्थ बिकम ऑक्सीजन रिच? ऐसा कौन सा टाइम है जिसपे अर्थ ऑक्सीजन रिच हो गया है? कम ऑन, ऑक्सीजन ज्यादा है. कम ऑन. ओर्डोसीरियन, इडियाकेरन, डिवोनियन या ऑर्डोविसियन? यस, यू आर एब्सोल्यूटली राइट. ओरोसीरियन एरा. ये वो टाइम है, ये वो पीरियड है जब ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है. लेट्स कम टू द पीरियड्स ऑफ द पेलियोजोइक एरा. सो जैसे मैंने आपको दिखाया था, केम्ब्रियन, ट्रिलोबाइटा जो हमें हिमालयस में बहुत ज्यादा मिले हैं, सिलूरियन में कोरल रीफ्स बनने शुरू हुए, एम्फीबियंस की एज है कार्बोनिफरस फ्रॉम वाटर टू लैंड, ओर्डोविसियन इज द एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, डिवोनियन इज द एज ऑफ फिशेस, एंड परमियन इज द ओरिजिन ऑफ कॉनिफर्स, पाइन, स्प्रूस. किसमें आए? परमियन. प्लीज क्लिक अ स्नैपशॉट. अगेन आई एम मूविंग टू द साइड. क्लिक अ स्नैपशॉट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू द मीसोजोइक एरा. आप एंड के माइंड मैप्स देख के हैरान रह जाओगे. लेट्स कम टू द मीसोजोइक एरा. मीसोजोइक, मीसोजोइक में सबसे पहले पढ़ लेते हैं. ट्रायसिक पीरियड में नॉन फ्लावरिंग सीड प्लांट्स बिकेम डोमिनेंट. नॉन फ्लावरिंग सीड प्लांट्स, करेक्ट, बिकेम डोमिनेंट. जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स बहुत बड़े हो गए. दीज आर क्लोज टू जिम्नोस्पर्म टाइप बिकॉज सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, फूड नहीं है, नॉन फ्लावरिंग है. मैमल्स अभी तक बहुत स्मॉल थे और इनसिग्निफिकेंट थे. इज इट क्लियर? अभी भी मैमल्स बहुत बड़े नहीं हुए थे. क्रिटेशियस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फ्लावरिंग प्लांट्स बिकेम डोमिनेंट, एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है. डायनासोर डिक्लाइन होने लग गए एट द एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड ड्यू टू मास एक्सटिंक्शन, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज अ मीटियोराइट केम एंड हिट द अर्थ. मैमल्स ने अडैप्टिव रेडिएशन शुरू किया, एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है. एक मैमल था, वो सबसे पहला मैमल था श्रू, जिसको हम छुछुंदर कहते हैं. तो इससे अलग 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 रेडिएट करना शुरू हो गए, अलग अलग हैबिटेट्स छोड़े. जो भी जगह डायनासोर ने छोड़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. डायनासोर ने जितना कुछ हैबिटेट में निश छोड़ा था, उन सबको ऑक्यूपाई किसने कर लिया? मैमल्स ने. करेक्ट. So Triassic was the first dinosaur mammals and flowering plants. Cretaceous was the dominance of flowering plants. Ye photos yaad rakho, aapko sab kuch yaad rahega. And Jurassic is the age of reptiles as well as the dominance of the gymnosperms. Ya ye. एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है फ्रॉम एवोल्यूशन. यू कैन नॉट मिस दिस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. करेक्ट. अब आ जाते एक और क्विज पे. इतना एमसीक्यू कर रहे तो एक और क्विज पे आते. क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. विच जियोलॉजिकल पीरियड इन द एज ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ फिशेज? वी हैव जस्ट डन इट. बताओ 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 बताओ.
Orosirian, Edacaran, Devonian, Ordovician. Devonian. I know very, very, very well answered. It is Devonian. अब हम आगे मूव करते हैं. लेट्स कम टू सीनोजोइक. दिख रहा है आपको थोड़ा सा अलग अलग टाइप के मैमल्स स्प्रेड होना शुरू हो रहे हैं. ये देखो. यस, मैमल्स और बर्ड्स किसी तरह स्प्रेड होना शुरू हो रहे हैं. इट इज डिवाइडेड इंटू टर्शरी एंड क्वार्टरनरी पीरियड्स. मैमल्स जो है उनकी अडेप्टिव रेडिएशन कंटिन्यू करती रही, वो बढ़ते रहे, उगते रहे. सेवरल स्पीशीज ऑल्सो टुक टू द एयर. प्राइमेट एवोल्यूशन बिगैन. Some primates adopted to living in the trees for protection from predators and to obtain food in the form of fruit. Kai primates, tarsiers, bonobos, trees pe evolution shuru kar diya to protect themselves from prey-predator relationship. Kyunki sare animals arboreal ya tree pe rehne wale nahi hote. Ancestral apes and megafauna, pet, bade-bade ped-paudhe, megafauna. Human hunting may have been responsible for the extinction of mammalian megafauna. Right? Humans ne bahut bade animals ko bhi hunt karna shuru kar diya. What is adaptive radiation? Right? To reptile ke ancestor se ye ek pehla mammal bana. Pehla mammal. Monotremes. Monotremes are duck-billed platypus. Right? Jinke paas bahut well-developed placenta nahi hota. These are egg-laying mammals. But inke paas memory glands hote hain. फिर आपके बने आगे चल के यहां पर आए. यहां से मार्सुपियल्स, पाउच एनिमल्स, कोआला बेयर्स, ऑपोसम्स, मार्सुपियल, कैंगरू, तस्मानियन डेविल. फिर बने ट्रू प्लेसेंटा वाले यूथीरियंस. कैन यू सी रैट हेयर, जिब्रा हेयर, बियर हेयर, स्लॉथ बेयर एंड 5010 स्पीशीज. सो इनका सबका एक तरफ से एक ही जगह से तो बने ये. एक ही तो पॉइंट था जिससे हजारों स्पीशीज बन रही है. दिस इज कॉल्ड एज अडैप्टिव रेडिएशन. मैंने आपको पिछली क्लास में कितना अच्छा वीडियो दिखाया था जहां मैंने आपको बताया है कि कैसे डार्विन की फिंच एक तरह की थी पर जहां जहां गई वैसे वैसे अपने आप को ढाल लिया. सो मैमल्स अंडरवेंट अ ड्रामेटिक, बड़ा ही मजेदार और इतने टाइप के बन गए. Yes, adaptive radiation after the extinction of Nanovian dinosaurs, जो सबसे बड़े थे dinosaurs, वो extinct हो गए तो पूरा अर्थ लगभग खाली हो गया. उनके पास इतनी जगह बच गई, वो कहीं भी जाकर सेटल हो सकते थे. एंड दिस हैपेंड अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो. दे स्टार्टेड टू स्प्रेड आउट. Then we also had the woolly mammoth. The woolly mammoth used to stay close to the Siberian area, which was very, very snowy. So what happened? It's very well-preserved carcass. We have got it because the temperature is minus 200 degrees Celsius like that. So we've got a very well-preserved carcass of the woolly mammoth. Very, very important slide. सीनोजोइक एरा एपोचेस एंड एजेस करते हैं. पीलियोसोइन और सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं या पीलियोसोइन से करते हैं. प्लियोसीन वो 65.5 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट लार्ज मैमल्स स्टार्ट टू अपियर. लुक एट दिस ह्यूज लार्ज मैमल. इट्स ऑब्वियसली एक्सटिंक्ट नाउ, वी कैन नॉट सी इट. ईओसीन इज 57.8 मिलियन ईयर्स अगो, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर मैमल्स बाय द मॉडर्न और द smaller ones. Is that clear? This is how slowly, steadily evolution is taking place. Cenozoic. तो अब हम आते हैं Oligocene पे. Oligocene पे क्या होने वाला है? Oligocene is 36.6 million years ago. Mammals are the dominant animals. Miocene is 23.7 million years ago. Grass. Plains, grasses. तो सारे के सारे जो आपके barren area है वो grass से cover हो जाता है. Swampy, reed, marsh. All of this becomes covered by grasses, which favors mammalian growth, especially of the herbivore mammals. Pliocene is 5.3 million years ago. Correct. Hominids, human-like ancestors, hominids, right? They start to appear. Pleistocene is 1.6 million years ago. Earliest human appears. And ice age begins. Har ek cheez pe humne research kiye bachcho. Holocene is 0.01 million years ago. Ice age ends. And human beings are the dominant animals on the planet. Let's now come to the amazing part of the evolution chapter, which are the mnemonics. I'm going to move to the side. I want you to keep
clicking photographs. This is very, 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 very important. Come on, click photograph. Excellent. Yes, and then we are going to move ahead. So the geological timescale eras. Charu murdered Pink Panther. Bechare Pink Panther se pata nahi kya dushmani thi, Charu ne uska murder kar diya. So, Cenozoic, Mesozoic, Paleozoic, Precambrian. Cenozoic, murdered. Mesozoic, Pink. Paleozoic, Panther, Precambrian. Right? Age of mammals and angiosperm 65.5 million years ago. Murdered. 245 million years ago to 65.5 million years ago. Mesozoic, age of reptiles and gymnosperms. Pink Panther, 570 million years ago to 245 million years ago. Paleozoic, the era of ancient life, the life or the era of early life, 4600 million years ago to 570 million years ago. So, yahan se aise ja raha hai. Charu murdered Pink Panther. Aage badhte hain. Ek aur Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, yaad rakhna, bada hi mushkil, Permian, Triassic, Jurassic, and Cretaceous. Cambrian, clowns only shoot ducks, carrying people that just cry. Crowns only shoot ducks, carrying people that just cry. So Cambrian, golden age of trilobites, Silurian, coral reefs, Carboniferous, Amphibians, Triassic, dinosaurs, mammals, flowering plants, Cretaceous, dominance of flowering plants, Ordovician, invertebrates, Devonian, MCQ, aaya hua hai, fishes, Permian, origin of conifers, Jurassic, the age of reptiles, dominance of gymnosperms. So, ye saara aapko kara diya gaya hai. Crowns only, Cambrian, Ordovician, shoot duck, Silurian, Devonian, carrying people, Carboniferous, Permian, Triassic, that just cry. Triassic, Jurassic, Cretaceous. One more. Put eggs on my plate, please, honey. Put eggs. Paleocene, Eocene, Oligocene. On my plate. Oligocene, Miocene, Pliocene. Please, honey. Pleistocene, Holocene. So, Paleocene, first large mammals appear. Oligocene, mammals are dominant. Pliocene. Kisi ne aise nahi padhaya itni mehnat karke. Human ancestors appear. Holocene. Correct. Eocene, Miocene, Pleistocene. Eocene, older mammals se nahi mammals aaye. Grasses aaye. Pleistocene. Any doubts? Any doubts? Har ek cheez ke aapko amazing, amazing, amazing mnemonics mile. And now let's come to concept maps. Very important. Class khatam hone wali hai. Please pay attention. Concept maps are very important. Cenozoic mein sabse pehle hum kar rahe quaternary, jisme hai Pleistocene, Pliocene, Miocene. Tertiary mein Oligocene, Eocene, Paleocene. Eocene mein aata hai horse, iska hua tha. Yes, herbaceous plants develop hue, angiosperms develop hue, grasslands spread hue, flowering plants all develop hue, heavy rainfalls mein tropical forests aaye. Correct, ice age mammals, pehle humans appear hue, in Pleistocene, hominids, ape-like mammals. To ye aise chal raha hai. Is it clear? Triassic oldest hota hai, isme conifers aur cycas hote hai, Jurassic ke andar dinosaurs, jo cheeze main underline kar rahi hu, bahut important hai. Cretaceous mein flowering plants bahut spread kar jate hai, placental mammals appear karte hai. Main mita rahi hu sab kuch side mein ho rahi hu, chalo click a snapshot. Correct, sabse pehle Precambrian. Correct, earth form hua hai is time pe. Sabse pehle fir prokaryotic cells aaye tab. Oxygen accumulate hone laga is time pe. Eukaryotic cell bane is time pe. Non-vascular land plants, mosses wagera banna shuru hui in the Ordovician time. Marine algae bani in the Cambrian time. Ye sara to aapka Precambrian time hai. Is it clear? Silurian mein seedless plants aana shuru hue. Jawless fishes, cyclostomes aayi. Pehle insects aur fishes zyada bane Devonian period pe. Amphibians bane. Carboniferous mein coal forming forest. Aaj ke ek cheez MCQ question hai. Amphibians se diversify kiya. Pehle reptiles aaye.
first reptiles appeared. Permian में gymnosperms आए. All of this is very, very important. कहीं नहीं मिलेगा आपको ये. देखिए तो सही कितना मजेदार है. So with that, please इस लेक्चर को रिकॉर्ड री रिकॉर्ड करके देखिए. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. डायरेक्ट MCQs आएंगे, प्लीज मत भूलिएगा. दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर अमेजिंग चैनल. बाय किड्स, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय. वन मोर क्विज इज ऑल्सो कमिंग. बाय किड्स, अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल मत भूलना जो कुछ बताया है. बाय बाय.